बाद यूनुस इस दुनिया में नहीं रहा, यूनुस अभी भी मेरे दिल में हमेशा रहेगा। लेकिन जब मैं लोगों की वीडियोस देखती हूँ, सुनती हूँ, मुझे तो बहुत दुख होता है। एक दिन आप रोओगे, आप पछताओगे। बाकी मुझसे पूछो कि मुझ पर क्या बीत रही है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे। तो जी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो जैसा कि आप लोगों ने कल की वीडियोस काफ़ी सारी देखी हैं कि मुस्कान ज़ारा जो है ना अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है उसका। अब वो कहते ना जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है, बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसकी अम्मी भी बहुत अच्छी थी, तो उनके से मेरी मुलाकात हुई थी। तो इस वजह से जो है ना मुझे ये एक वो बंदा होता है जो सामने नहीं होता है और उसके साथ कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई मुलाकात नहीं होती, फिर भी इंसान को दुख होता है, लेकिन इतना ज़्यादा दुख नहीं होता जितना अब मुझे हुआ है। तो वो बेचारे जो है ना उसको दुनिया वालों ने जीना ही नहीं दिया, उनका जीना हराम कर दिया, जिसकी वजह से उस बेचारे ने ये कदम उठाया। हालांकि ये कदम उसे नहीं उठाना चाहिए था। इंसान पर दुनिया कभी भी रहम नहीं करती है, इंसान पर इतना वो जुल्म करती है ना कि उनका जीना हराम हो जाता है। तो उस बेचारी के साथ भी यही हुआ है, उसका जीना हराम लोगों ने कर दिया है, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। उसकी अम्मी को उसे समझाना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उसके दिल में ऐसा क्या आया कि इस दुनिया में नहीं रहूँगी तो शायद दुनिया वाले चुप हो जाए। लेकिन दुनिया वाले तो अब भी चुप नहीं हो रहे हैं। दुनिया वाले उसकी मौत के बाद भी उसके नाम पर जो है ना बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, हम गुनाहगार हैं, हर बंदा गुनाहगार है, तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए। लोगों ने अच्छा नहीं किया उसके साथ, उसकी मौत होगी लेकिन लोग चुप नहीं हुए। तो सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, रात मुझे पूरी रात में नहीं सोई हूँ। और जो है ना आप जानते हैं वो भी इतनी उम्र की भी नहीं थी अभी बेचारी जो उसके साथ हादसा हुआ है। तो अभी तो वो कुछ दिन पहले आप लोगों ने उसकी वीडियो देखी होगी, पहले भी वो बहुत ज़्यादा बीमार भी रही है और उसने शायद अपने साथ पहले भी कुछ किया है, लेकिन उसके बाद फिर वो कुछ अच्छी हालत में वो बेचारी जो है ना आ गई। फिर उसने कुछ वीडियोज़ भी बनाई हैं अच्छे हालात में, मतलब खुश होके, लेकिन उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता था। तो आखिरी वीडियो जब उसने लाइव में बनाई है वो मैंने देखी थी, तो क्योंकि मैं उसकी वीडियो डेली ही देखती थी, हर रोज़ की वीडियो उसकी मैं देखती हूँ, तो क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी बातें मुझे अच्छी लगती थी। तो जब लाइव में उससे काफ़ी सारे सवाल किए गए, कि एक सवाल उसमें ये किया गया कि अल्लाह ताला मुस्कान ज़ारा को लंबी ज़िंदगी दे और जो है ना उसे हौसला दे, हिम्मत दे, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, तो उस बात पे मुस्कान ज़ारा ने ये जवाब दिया कि आप लोग ये दुआ करें कि मेरी दो दिन की भी जिंदगी ना बची हो। तो अब ये तो नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा था। वही आखिरी वीडियो थी, उसके सुबह उसकी डेथ हो गई। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं उस बेचारे के दिल में इतने ज़्यादा गम थे, इतने ज़्यादा दुख थे जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुके थे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अल्लाह ना करे कि कभी किसी के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आए। लोगों को चाहिए कि उसको हौसला दें, उसको तसल्ली दें कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, हम उसके साथ हैं, नहीं कि लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह मेरे साथ जैसे हुआ है। तो वैसे तो मैं सबके सामने खुश होकर वीडियो बनाती हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि रो रही है, पता नहीं इसको क्या है क्या नहीं है, तो जावेद के साथ खुश है या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जावेद ने जितना मेरा साथ दिया इतनी तो शायद कोई भी किसी का साथ नहीं देता, अभी तक दे रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी देंगे। तो वैसे तो मैं उसके साथ खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल में कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी टेंशन में मैं रहती हूँ। तो हर रोज़ की डेली की मैं रिलैक्सन की गोली खाती हूँ, तब जाके मुझे नींद आती है। तो ये बातें मैं कभी वीडियो में नहीं करती हूँ इसलिए क्योंकि लोग रोने वालों को रुलाते हैं, जैसे मुझे रुलाया है, आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है तो लोग मुझ पर कितना जुल्म कर रहे हैं ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। एक माँ के दिल से पूछें कि जब उसके बच्चे उससे दूर होते ना तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। 4-5 महीने तो हो गए हैं मुझे मेरे बच्चे नहीं मिले हैं।
लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है, अल्लाह ताला पे उम्मीद रखी है और अल्लाह ताला ने हमेशा अपने बंदों का साथ दिया, इंशाल्लाह मेरा साथ भी जरूर देंगे। बस इसी उम्मीद के सहारे जिंदा हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ हमेशा कि अल्लाह ताला मुझे मेरे बच्चे मिला दे। लेकिन जो लोग मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह से नहीं डरते हैं, शायद उन्होंने भी अल्लाह ताला को जवाब देना है, अल्लाह से डरो, उन बच्चों पे भी जुल्म ना करो और मुझ पे भी ना करो। क्योंकि जब मैं बच्चों को देखती हूँ मेरा कलेजा बाहर आता है, सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और मैंने अपनी पसंद से ली हुई चीज़ें जो मेरा दिल करता था मैं अपनी पसंद से लेकर अपने पास रख के बैठी हूँ, क्योंकि कोई भी मेरे बच्चों को पहने नहीं देता है। तो इतना बड़ा जुर्म भी कोई किसी के साथ करता है, अल्लाह ना करे कि कभी किसी के ऊपर ये वक्त आए। और जब जिस पर ये वक्त आ जाते ना, फिर पीछे बैठ के वीडियो बनाते हैं कि वो बेचारा तो ऐसे करता रहा, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो ये सब नहीं करना चाहिए, तो फिर बाद में पछतावे का कोई फायदा नहीं होता है। तो अगर मेरे बच्चे मुझे जो है ना नहीं मिले, या मेरे बच्चों को मेरी वजह से या किसी की वजह से कुछ हुआ, क्योंकि मेरे बच्चों को मुझसे दूर किया जा रहा है, मेरे पास नहीं आने दे रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जब मुझसे दूर करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके दिल में पता नहीं किस तरह के वो जो है ना मतलब रोते हैं, याद करते हैं मुझे, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है, जिस तरह मेरी कोई नहीं सुन रहा है, मेरे अपने ही नहीं सुन रहे, मैं किसी और की क्या बात करूँ, मेरे सगे चाचा मामी कोई नहीं है, मेरा अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, सिर्फ जावेद का साथ है। तो अल्लाह ने चाहा तो मुझे मेरे बच्चे ज़रूर मिलेंगे, उम्मीद है। और अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ, मैं नहीं चाहती अल्लाह माफ़ करे कि कभी किसी को ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख ना मिले या मुझे कुछ हुआ, क्योंकि जितनी तकलीफ में मैं गुजर रही हूँ रह रही हूँ वो तो सिर्फ मुझे पता है ना, इंसान की जिंदगी का पता नहीं है। इंसान का दिमाग जब खराब हो जाता है तो फिर इंसान के जहन में कुछ नहीं रहता, वो कुछ भी कर बैठता है, जैसे मुस्कान ज़ारा ने किया। क्योंकि इंसान का दिल जब बिल्कुल खत्म हो जाता है ना अंदर से, जो घायल हो जाता है, तो फिर कुछ इंसान के नजर नहीं आता, वो कुछ भी कर बैठता है। तो बिल्कुल इसी तरह मेरी कंडीशन भी है, रोती हूँ पीटती हूँ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? खुदा का नाम ले, ये देखे मैं आपके आगे हाथ जोड़ी हूँ, किसी पे ऐसा जुल्म ना करे, किसी के माँ को उसके बच्चों से दूर ना करे, और किसी पर ऐसे इल्जाम ना लगाया करे जो खुद इंसान तकलीफ में होता है उसको और तकलीफ ना दे, कि वो जीने लायक भी ना रहे, अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठे। बहुत बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ है मुस्कान ज़ारा का, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो बस जो नसीब में लिखा होता है, नसीब से ज्यादा आजकल लोग नसीब लिख रहे हैं बंदों के और बंदों के साथ कर रहे हैं। तो अब उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी ये तो आप लोग भी बेहतर जानते हैं, जिसकी एक जवान बेटी थी, उसका सहारा भी मेरे ख्याल में शायद वही था, क्योंकि अभी बाकी जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। अल्लाह ताला उसको सब्र दे और उस बेचारी जो है ना मुस्कान ज़ारा को मगफरत के लिए उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। तो मेरी भी बहुत ज़्यादा दुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बात बात पे मेरे अपने पूरे खानदान वाले जो है ना, जैसे मेरे ऊपर बातें करते हैं, इसको बच्चों की परवाह नहीं है, मेरा खुदा जानता है कि मुझे बच्चों की कितनी परवाह है। अगर आप लोग मुझे बच्चे नहीं देंगे तो अल्लाह तो देख रहा है ना, तो अल्लाह ताला मुझे बच्चे देगा, मुझे इंसानों से कोई अब उम्मीद है भी नहीं, क्योंकि जो तकलीफें मैंने सही हैं 10 दिन पूरे मैं रोती रही, दुनिया जहां का कोई होश नहीं रहा है मुझे, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फिर वो ही मुंह होता है चुप करके फिर वीडियो बनाती हूँ कि हमारे बहन भाई ये ना समझे कि अब ये मतलब रो 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 रही है या वीडियो नहीं बना रही, इसके पीछे कोई वजह है। तो वजह सिर्फ यही होती है कि मुझे तकलीफ होती है, टेंशन होती है बच्चों की। तो अल्लाह ताला से जो है ना बहुत ज्यादा दुआ है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, लंबी जिंदगी दे। और मेरा ये पैगाम है उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए, कि अगर कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में गुजरे है तो अल्लाह ताला ना पसंद करता है ऐसी मौत को, तो आप लोग प्लीज ऐसा कोई कदम ना उठाया करें, हिम्मत करें। अल्लाह ताला हिम्मत वालों करने वालों के साथ है, अल्लाह ताला साथ देता है, और इंशाल्लाह मुश्किल वक्त इंसान पर आता है और गुजर भी जाता है।
मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत की है, सच में कह रही हूँ, बहुत ज्यादा हिम्मत की है अपने बच्चों को पाने के लिए। अभी तक मैं कोशिश कर रही हूँ और पूरी जिंदगी करूंगी। तो अल्लाह ताला मेरे साथ है, आप सब बहन भाई भी मेरे साथ हैं, दुआ करते हैं मेरे लिए, तो यही मेरे लिए बहुत है। और उम्मीद, वो कहते ना कि जहाँ उम्मीद की किरण हो ना, तो अल्लाह ताला उन्हें कभी मायूस नहीं करते, अल्लाह ताला से उम्मीद है। और अपने बच्चों के लिए जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मेरे बच्चे दे दे। बस ये कुछ बातें करनी थी आप सब बहन भाइयों से, कि तकलीफ वालों के साथ जो है ना, हौसले के साथ पेश आया करें, ये नहीं है कि उनकी तकलीफ को और बढ़ाएं। बाकी ये है कि जावेद मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ने चाहा। वैसे हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जावेद भी कर ले, होना तो वही है ना जो अल्लाह ताला चाहता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मुझे मेरे बच्चे मिलेंगे, लेकिन अभी तक मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। चाहे जो मर्जी मैं कोशिश कर रही हूँ, जहाँ से भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई रहम कोई तरस नहीं खा रहा है। तो अल्लाह ताला जो है ना, सबको देख रहा है। तो बस ये कुछ बातें आज सब आप सब हमारे शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और इस बातों इन बातों को नोट करेंगे जो बातें मैंने की हैं। बस अपना ख्याल रखिए और अपने साथ दूसरों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।